डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, फिलहाल आपने देखा कि लगातार चूंकि संबोधित करते हुए अलग अलग राज्यों में, लोकतंत्र एक चाय बेचने वाले परिवार को भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। मैं भी खेती किसानी वाला परिवार का एक सामान्य व्यक्ति हूं जिनके घर में से कभी कोई राजनीति में रहा ही नहीं, ना पिताजी ना भाई कोई नहीं, लेकिन पार्टी और तो और मुझे इस बात का लोकतंत्र में और गर्व है। आप तो बड़ी बड़ी आबादी वाले लोग, आपका तो बड़ा क्षेत्र है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम 500 भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2,80,000 में से भारतीय जनता पार्टी गर्व से मौका देती है और आपका भाई आपके सामने निकल करके आता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है, जो कहती है वो ऐसे खाली नहीं बोलती है, इसलिए मौका पड़ता है तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कभी उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अब की बार तो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, जैसे आप लोग बैठे, मैं तो आखिरी पंक्ति में ही बैठा था, और मैं जिसके साथ बैठा था 1-1.5 घंटे से, वो दोनों विधायक आज तक झगड़ा करते हैं मेरे से कि तुम इतनी देर से बैठे, तुमने बताया नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। मैंने कहा तुमको कैसे बताऊं, मेरे को ही नहीं मालूम कि मैं कहां बनने वाला। ये हमारी पार्टी की विशेषता है, जो ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को, जिसके घर का कोई राजनीतिक एक तरह से पहचान न हो, उसके बाद भी उसको मौका देती। ये हमारी पार्टी, इस पार्टी के आधार पर मुझे इस पार्टी की विचारधारा पे गर्व है, और ये केवल अपनी पार्टी चलाने के लिए नहीं, ये समूचे लोकतंत्र के लिए गौरव की बात कि जिसमें योग्यता होगी वैसे सारे के सारे लोग जहां मौका पाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से मैं अगर आया हूं तो ये लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ, भगवान राम के अनुज की नगरी लक्ष्मणवती भी इसका नाम है, और माता गोमती के किनारे बसा हुआ यह नगर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है। मैं पवित्र छिपराजी के किनारे से आता हूं, मां नर्मदा हमारी जीवन प्रदायिनी है, और हर हर महादेव के जब नारे लगाते हैं तो 5,000 साल पुराना सूरसेन यादव का नगर भी याद आता है उज्जैन, जिसके माध्यम से दुनिया हमको एक अलग रूप से देखती है, और मैं उम्मीद करता हूं और आप और हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम अपने इस लोकतंत्र की भी जय जयकार करेंगे, और जितनी टैलेंटेड लोग हैं ये अपने साथ खड़े करके, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे वंश से तो है।